ये टैब सैमसंग S6 लाइट अकेला टैब है जो 20,000 की प्राइस के नीचे प्रॉपर पेन सपोर्ट के साथ आता है। और सिर्फ सपोर्ट ही नहीं, यहाँ तो एस पेन भी टैब के साथ ही मिलता है। और सबसे बड़ा पॉइंट तो ये कि ये फिलहाल अमेज़न पर लगभग 17,000 का मिल जाएगा। टैब A9 प्लस बहुत अच्छा टैब है जो कि इस समय इस टैब से भी ज्यादा अच्छी प्राइस पर मिल रहा है। टैब A9 प्लस का 8GB रैम और 128GB वाला मॉडल अमेज़न पर लगभग 14,000 रुपए का मिल रहा है। टैब A9 प्लस और टैब S6 लाइट, इन दोनों की परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है और आपको इनमें से कौन सा बाय करना है वो इस वीडियो के एंड तक क्लियर हो जाएगा। ये टैब S6 लाइट 2022 वाला मॉडल है और यहाँ 4GB रैम एंड 64GB स्टोरेज मिलता है। रैम को वर्चुअल रैम सपोर्ट के साथ 8GB तक किया जा सकता है और स्टोरेज तो 1TB तक एक्सटेंड किया जा सकता है माइक्रो SD कार्ड लगाकर। फटाफट से इसकी क्विक अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो यहाँ बॉक्स के अंदर ये हमारा टैब है, साथ में सबसे स्लो चार्जिंग वाला टाइप ए एडाप्टर है, टाइप ए टू टाइप सी डाटा केबल है, सिम इंजेक्शन टूल और कुछ डॉक्यूमेंटेशन, और ये है साथ में हमारा एस पेन। टैब की बिल्ड क्वालिटी A9 प्लस से बेटर है क्योंकि यहाँ प्लास्टिक का बिल्कुल भी यूज नहीं किया गया, जबकि टैब A9 प्लस में प्लास्टिक यूज की गई थी। इसका लुक एंड बिल्ड क्वालिटी प्रीमियम लेवल की है। इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से इससे अच्छी बिल्ड क्वालिटी किसी दूसरे टैब में नहीं मिलेगी। इसके फिजिकल व्यू की बात करूं तो राइट साइड में पावर ऑन ऑफ बटन, वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन, इसके नीचे एक माइक्रोफोन, यहाँ है सिम कार्ड ट्रे, इसके टॉप साइड में 3.5mm का हेडफोन जैक दिया है, साथ में एक और माइक्रोफोन और स्पीकर ग्रिल, इसके बॉटम में टाइप सी पोर्ट और स्पीकर ग्रिल, लेफ्ट साइड को एकदम प्लेन रखा है। इसके बैक में 8MP का रियर कैमरा और फ्रंट में 5MP का सेल्फी कैमरा है जो किसी भी ऑनलाइन क्लास या जूम मीटिंग के लिए काफी है। इस टैब में फिंगरप्रिंट अनलॉक का ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन यहाँ फेस अनलॉक का फीचर है। इसके साथ ही पिन, पासवर्ड, पैटर्न सारे ही अनलॉक के फीचर्स मिल जाएंगे। ये 10.4 इंच की TFT LCD डिस्प्ले है जो कि 2000x1200 रेजोल्यूशन के साथ है और ये डिस्प्ले 60Hz की रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले है। अगर प्रैक्टिकली बोलूं तो मुझे इस प्राइस पॉइंट पर डिस्प्ले क्वालिटी से कोई कंप्लेन नहीं, ये माइंड में रखते हुए कि इस टैब को बाय करने का मेन पर्पस एस पेन है। यहाँ कंटेंट वॉचिंग एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छे लेवल का है और बहुत अच्छे से मतलब है कि फिलहाल जो टैब लॉन्च हुए हैं जैसे टैब A9 प्लस या फिर वन प्लस पैड गो जैसा ही एक्सपीरियंस रहेगा। इसकी ब्राइटनेस भले ही थोड़ी कम है और डिस्प्ले 10.4 इंच, तो ये बात माइंड में जरूर रखना। एस पेन की क्वालिटी भी अच्छी लेवल की है, लेकिन टैब S9 FE के एस पेन जैसी नहीं, वहाँ कुछ फीचर्स भी एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो पेन की क्वालिटी भी फ्लैगशिप S9 सीरीज जैसी ही है। एस पेन के जितने भी बेसिक फीचर है जैसे पाम रिजेक्शन या टिल्ट सपोर्ट, यहाँ वो सब मिल जाते हैं। आज की डेट में इस टैब को रिकमेंड करने का सिर्फ यही रीजन है क्योंकि टैब A9 प्लस एस पेन का सपोर्ट तो छोड़ो, वहाँ पाम रिजेक्शन का सपोर्ट भी नहीं है। तो जो भी एक ऐसा टैब बाय करना चाहते हैं जहाँ अच्छे से नोट राइटिंग की जा सके, ड्राइंग की जा सके या फिर रीडिंग करते टाइम कुछ भी हाईलाइट करना हो, तो यही एक ऑप्शन है। अभी तक जितना भी मैंने इस टैब को यूज किया है, मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये बहुत ज्यादा स्लो हो किसी भी स्टूडेंट के लिए। ये टैब अभी भी 2 साल तो आराम से चल ही जाएगा। अब चलने को तो 2 साल से ज्यादा भी चल जाएगा, लेकिन उस टाइम तक आपके पास अच्छे प्रोसेसर और हाई रिफ्रेश रेट वाले फोन होंगे तो ये टैब बहुत ज्यादा स्लो फील होने लगेगा। इससे अच्छी क्वालिटी और अच्छे प्रोसेसर का दूसरा ऑप्शन टैब S9 FE है जो कि फिलहाल अमेज़न पर SBI कार्ड का ऑफर लगाकर लगभग 26,000 के आसपास मिल रहा है। उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आप कोई सा भी टैब बाय करेंगे मेरी लिंक से तो इस चैनल की भी थोड़ी हेल्प होगी। अगर आप अपना बजट 25 से 26,000 रुपए बढ़ा सकते हैं तो टैब S9 FE एंड्रॉइड टैबलेट में बेस्ट टैबलेट है किसी भी स्टूडेंट के लिए। लेकिन अगर आप iPad 9 भी बाय करते हैं तो वो भी 24 से 25,000 की प्राइस पर वैल्यू फॉर मनी है क्योंकि वहाँ 1,000 रुपए के आसपास थर्ड पार्टी वाली अच्छी पेंसिल्स मिल जाती हैं। एक और ऑप्शन है Xiaomi Pad 6, लेकिन Xiaomi Pad 6 की पेंसिल अलग से 5,000 की बाय करनी पड़ेगी
और उसकी पेंसिल में कुछ भी इशू हुआ तो सर्विस सपोर्ट भी इतना अच्छा नहीं है। इस टैब में 7000 mAh की बैटरी है और इसे एक बार फुल चार्ज करने में एक दिन का बैटरी बैकअप तो आराम से मिल जाएगा। ये प्रोसेसर इतना पावरफुल तो है कि यहाँ छोटे मोटे गेम भी आसानी से खेले जा सकते हैं और यहाँ 3.5 mm का हेडफोन जैक भी मिल जाता है जो कि गेमर्स के लिए यूजफुल है। और सिर्फ गेमर्स ही नहीं, जो लोग वायर्ड ईयरफोन या हेडफोन यूज करते हैं उनके लिए यहाँ साउंड क्वालिटी बहुत अच्छे लेवल की मिल जाएगी। यहाँ डुअल स्टीरियो स्पीकर्स हैं जो डॉल्बी एटमॉस के साथ अच्छी साउंड क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। A9 Plus के कंपैरिजन में है, यहाँ बिल्ड क्वालिटी को छोड़कर बाकी हर एक पॉइंट 19 ही रहेगा। मतलब मैं ये बात क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर आप स्टडी पर्पस से बाय करना चाहते हैं तो ही इसे बाय करें, नहीं तो A9 Plus 14000 की प्राइस पर इससे बहुत अच्छा टैबलेट है जो कि हर एक पॉइंट में इससे अच्छा है। यहाँ One UI 6 का अपडेट ऑलरेडी आ चुका है और One UI 7 का अपडेट भी शायद मिलेगा ही। इस टैब में भी नॉक्स की सिक्योरिटी मिल जाती है और डेक्स मोड का फीचर भी। ये डिस्प्ले आउटपुट सपोर्ट नहीं करता तो किसी मॉनिटर पर या टीवी पैनल पर इसके डेक्स फीचर को यूज नहीं किया जा सकता। जैसा कि मैं बोल चुकी हूँ, इसे बाय करने का एक ही रीजन है एस पेन, तो इस एस पेन के कुछ यूजफुल फीचर्स मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ जिससे आपको एस पेन की वैल्यू क्लियर समझ आ पाए। ये पेन प्लास्टिक बिल्ड में है और यहाँ भी एक बटन मिल जाएगा। कुछ लोगों ने S9 FE वाले वीडियो पर कमेंट किए हैं कि उनका S पेन चार्ज नहीं होता, तो यहाँ मैं ये क्लियर कर दूं कि FE एंड लाइट सीरीज वाले जितने भी S पेन हैं, वो बैटरी के साथ नहीं आते, इन्हें चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये ऑटोमेटिकली वर्क करता है और इसे मैग्नेटिकली टैप से अटैच किया जा सकता है। इसके फीचर्स के लिए बेस्ट ऐप है सैमसंग का अपना नोट्स ऐप। यहाँ जो भी नोट्स प्रिपेयर करने हो वो या तो आप कीबोर्ड अटैच करके नॉर्मल कीबोर्ड से टाइपिंग करके प्रिपेयर कर सकते हैं या फिर इस पेन को यूज करके पेपर एंड पेंसिल की तरह नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पाम रिजेक्शन भी बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है, कोई भी मिस टच का इशू नहीं। इसका एयर कमांड फीचर यूज करने के लिए स्क्रीन पर डबल टैप करना होता है जिससे ये एयर कमांड का आइकन ओपन हो जाता है और यहाँ सारे ही फीचर के शॉर्टकट ओपन हो जाते हैं, जैसे एक नोट क्रिएट करना है, व्यू ऑल नोट्स करना है, स्मार्ट सेलेक्ट, स्क्रीन राइटिंग, ये सारे ही फीचर्स के ओपन हो जाएंगे। ये सभी फीचर्स के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप उस फीचर्स के लिए वो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पेनअप में ड्रॉइंग करना या फिर कलरिंग करना बहुत ईजी है जहाँ आप अपनी क्रिएटिविटी यूज कर सकते हैं। इस वीडियो का सिंपल सा कंक्लूजन है कि अगर आपको प्रॉपर पेन वाला टैब चाहिए तो 20000 के नीचे यहाँ एक ऑप्शन है, और अगर ये डाउट है कि क्या इसे 2024 में बाय करना ठीक रहेगा तो ऑफर में 17000 की प्राइस पर आज के डेट में ये वैल्यू फॉर मनी है और अगले 2 साल यूज के पॉइंट से ये एक यूजफुल प्रोडक्टिविटी टैबलेट रहेगा। और अगर आपको नोट राइटिंग नहीं करनी तो टैब A9 Plus इससे बेटर ऑप्शन है और उसकी फिलहाल प्राइस भी कम है। अभी भी आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।